ट्रेन एक्सीडेंट जो हुआ उसके बाद वीआईपीओ की वजह से रेस्क्यू में और परेशानी आ रही है। कैसे, अभी आपको पता चल जाएगा। 2 जून 2023 दिन शुक्रवार शाम के समय ओडिशा के बालासोर जिले में 3 ट्रेन आपस में टकरा जाती हैं। सामने आया कि पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस डीरेल होकर मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ गई और फिर इसकी बोगियों से हावड़ा बेंगलोर एक्सप्रेस आकर भिड़ गई। 250 के करीब लोगों की मृत्यु हो गई और 1000 के करीब लोग घायल हो गए। घटना स्थल से लेकर हॉस्पिटल तक चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। ऐसे में परिजन अपने लोगों को ढूंढ रहे थे, जिन्हें अपने लोग मिल गए वो इलाज के लिए परेशान हो रहे थे। ऐसे में कुछ लोग अपने घायल साथियों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ले जाना चाहते हैं तो कुछ अपने होम टाउन ले जाना चाहते हैं। वहीं कुछ लोग डेड बॉडी के अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी रिसीव करने की लाइन में लगते हैं। ऑफिसर्स हालात पर काबू पाने के लिए लगे रहते हैं। हॉस्पिटल में पहले से ही व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई रहती हैं, पैर रखने की भी जगह नहीं होती, लोग पहले ही परेशान होते हैं और ऊपर से बड़े बड़े नेतागण जब वहां पहुंचते हैं तो परेशानी और बढ़ जाती है। कैसे, जानते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी घायलों से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। ममता बनर्जी ने भी पहुंचने का ऐलान किया और पीएम मोदी भी वहां किसी समय पहुंच सकते हैं। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार एक आदमी अपने भाई के डेड बॉडी लेने के लिए लाइन में लगा। हॉस्पिटल वाले कह रहे थे कि 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा, फिर अचानक से बोलने लगे कि कल आना। कारण पूछने पर पता चला कि वीआईपी मूवमेंट है तो टाइम लग जाएगा। वीआईपी मूवमेंट की वजह से घायलों का इलाज बीच में रुक जाता है। मामूली घायल लोगों को हॉस्पिटल प्रांगण से बाहर निकाल दिया गया। लोग जहां पहले से परेशानी में थे, वीआईपी मूवमेंट उनका और दर्द बढ़ा रहा है। एक और आदमी से बात की तो पता चला कि सीएम साहब आए हैं तो ये हाल है, कल को पीएम जी जब आएंगे तो ना जाने क्या होगा। कम से कम हॉस्पिटल में पहले स्ट्रेचर पर लेटाकर हॉस्पिटल के पार्क में आने जाने वाले रास्ते में डॉक्टर्स को जहां जगह मिल रही थी वहां इलाज कर रहे थे, पर वीआईपी के सामने इंतजाम चाक चौबंद मिले। इसके लिए जिन्हें बेड नहीं मिला उन सबको वीआईपी की आंखों से छुपाने के लिए हॉस्पिटल के पीछे शिफ्ट कर दिया जाता है। हादसा चाहे ये हो या फिर कोई और हो, राजनीति होना लाजमी है। हर कोई एक दूसरे का दोष निकालने में लग जाता है। कोई कहता है इसकी वजह से हुआ है तो कोई कहता है उसकी वजह से हुआ है, पर मेरे हिसाब से मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इतने सारे वीआईपी क्यों आ रहे हैं। देखिए, उनका आना मजबूरी है क्योंकि अगर वो नहीं जाएंगे तो आरोप लगेंगे कि वे संवेदनशील नहीं हैं, घायल और पीड़ितों के परिवार से मिलने नहीं गए। लेकिन मेरा नजरिया ये है कि उन्हें जाने से थोड़ा बचना चाहिए। वीआईपी मूवमेंट के दौरान सारे अधिकारी, पुलिस, डॉक्टर चकाचक करने में जुड़ जाते हैं। ऐसे में इंसानियत कई बार दरकिनार हो जाती है। आपका इस मामले में क्या विचार है? आप नेताओं, डॉक्टर या रेलवे के अधिकारियों से कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। और जब तक जरूरी ना हो घटनास्थल पर जाने से बचें। बेवजह भीड़ लगाना आपका किसी की जिंदगी और मौत का सवाल हो सकता है।